तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो शारजा रमदान T10 लीग है, इसका भाई जो आज के दिन का दूसरा मैच और टूर्नामेंट का भाई ये क्वार्टर फाइनल मैच है, जो कि दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच है जो कि खेला जाएगा इंटर ग्लोब मरीन वर्सेज सैयद आगा सीसी के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। बात करेंगे दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की, कौन सा प्लेयर यहाँ पर कंप्लीट दो ओवर आपको नजर आएगा, कौन सा बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा और कौन सा ऑलराउंडर दो ओवर के साथ भाई मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी आपको करता नजर आने वाला है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो यह मेरी गारंटी कि आप इस मैच में हारने वाले तो बिल्कुल भी नहीं हो। मैच की अगर टाइमिंग की बात करें तो भाई 11:45 पर मैच खेला जाएगा, यानी कि अब से लगभग लगभग 3 घंटे बाद मैच खेला जाना है। मैच की भाई मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दे दूंगा, साथ ही साथ एक डेमो टीम मैं आपको अभी प्रोवाइड करवा दूंगा, लेकिन इस मैच की जो भी मेरी फाइनल टीम रहेगी, जो भी मेरी फाइनल अपडेट रहेगी, वो आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे इजी और बेस्ट वे डिस्क्रिप्शन में जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करते ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाओगे, या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो @KPM321। सिंपली बस आपको इतना सर्च करना और आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। सेम इसी चैनल पर भाई आपको फाइनल टीम मिलने वाली है। देखिए भाई कोई भी मैच हो, फाइनल टीम मैं आपको आफ्टर टॉस आफ्टर लाइनअप्स टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवा पाऊंगा, तो टेलीग्राम चैनल तो आपको जरूर से ज्वाइन कर लेना। अगर आप फैंटेसी फील्ड में हो तो भाई मेरा टेलीग्राम चैनल आपको महीने के काफी अच्छी आपकी इनकम करवा सकता है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर से कर लीजिएगा। अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर उससे पहले भाई वेन्यू की बात कर लेते, तो शारजा का ही ग्राउंड रहेगा, वहीं पे मैच खेले जाने। तो शारजा का जो ग्राउंड है यहाँ पर भाई बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स आजकल हो रही है, अदरवाइज भाई यहाँ पर स्लो विकेट्स काफी ज्यादा अभी तक हो रही थी। तो अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर वेन्यू के बारे में। तो देखिए बाउंड्रीज थोड़ी शॉर्ट रहेंगी, एक तो ये फायदा मिलेगा बैट्समैन को, इसके अलावा भाई यहाँ पर अभी काफ़ी ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली विकेट हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा आपको लो स्कोर देखने को मिलेगा, यहाँ पर भाई आपको 100 का स्कोर देखने को मिलेगा, यहाँ पर 190 का स्कोर, 119 का स्कोर, इसके अलावा 144 का स्कोर। ये मैच एक थोड़ा सा मतलब हल्का गया था, इसके अलावा भाई मोस्टली मैचेज में आपको हाई स्कोरिंग मैचेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एवरेज स्कोर यहाँ पर भाई 90 से 110 के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा, तो इसके बीच में आपको स्कोर देखने को मिलेगा। अब चलिए भाई बात करते हैं दोनों टीम्स के लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की। तो यहां पर सबसे पहले भाई देखते हैं जो इंटर ग्लोब मरीन है इनकी टीम की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस, इसके बाद भाई देखेंगे यहां पर सैयद आगा खां की। सबसे इन दोनों के बीच भाई यहाँ पर मैच खेला गया था और ये मैच भाई इंटर ग्लोब मरीन ने विन किया था, ठीक है। मैच काफ़ी ज़्यादा लो स्कोरिंग था, लेकिन मतलब लो स्कोरिंग क्या भाई, सामने वाली टीम फ्लोप हो गई थी, यहाँ पर सैयद आगा सीसी की टीम बिल्कुल फ्लोप हो गई थी और इंटर ग्लोब मरीन ने एक तरफा विनिंग यहाँ पर की थी, 5 ओवर से भी पहले मुकाबले को ख़त्म कर दिया था और एकदम डोमिनेटिंग वे में यहाँ पर टीम ने विनिंग की थी। यहाँ पर अगर बात करें इंटर ग्लोब मरीन की बैटिंग की, तो भाई संदीप सिंह आपको दिखेंगे ओपनिंग करते हुए आसिफ खान के साथ, दोनों भाई आर्ड हिटिंग बैट्समैन है, हालांकि इस मैच में दोनों ही जल्दी आउट हो गए थे। वहीं अगर बात करें यहां पर यासिर कलीम की, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, विकेट कीपिंग सेक्शन से 14 बॉल पर 26 रन बनाए, 5 बॉल पर 10 रन बनाए भाई यहां पर अमजाद गुल ने। इसके अलावा तौकीर रियासत बैटिंग करने जरूर आए, लेकिन बैटिंग इनकी आई नहीं थी। वहीं अगर बात करें अगर इनकी गेंदबाजी की, तो यहां पर देखिए तौकीर रियासत नंबर 5 पर बैटिंग कर रहे हैं, प्लस 2 ओवर की गेंदबाजी कर रहे हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे, इवन सीवीसी की अच्छे खासे ऑप्शन भी रहेंगे, 2 विकेट इन्होंने निकाले। अताउल्ला की बात करें तो भाई आप यहां पर देख सकते हो 2 ओवर में 21 रन देकर 1 विकेट उन्होंने निकाला, गजब की गेंदबाजी ये भी करते हैं, आप ट्राई कर सकते हो। आसिफ मुमताज मस्ट हैव पिक रहेंगे भाई, एक तो सबसे बड़ी बात इकोनॉमिकल रहेंगे, साथ ही साथ जो भी इनको हिटिंग करने जाएगा जल्दी अपने विकेट फेंक देगा, ठीक है। तो विकेट टेकिंग ऑप्शन रहेंगे, गजब के गेंदबाज जरूर से ट्राई कीजिएगा। हैरी बैरवाल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, 2 ओवर में 2 विकेट इन्होंने निकाले, मोहम्मद जाई ने 2 ओवर में 1 विकेट मेडिन ओवर डालकर 1 विकेट निकाला था। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर सैयद आगा सीसी की टीम की। तो यहाँ पर खालिद शाह जो इस टीम के अभी तक धुरी रहे हैं, मतलब इनके इर्द गिर्द पारी घूमती है, ये भाई जल्दी आउट हो गए थे। इसके अलावा भाई अब्दुल्ला खान, दोनों भाई यहाँ पर जल्दी आउट हो गए थे, पहले ओवर में दोनों को वापसी का रास्ता दिखा दिया था तौकीर रियासत ने। इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर अंश टंडन जल्दी आउट, जल्दी नहीं भाई, 24 बॉल पर 27 रन बनाए। इसके अलावा कोई भी इनका बल्लेबाज डबल डिजिट में नहीं पहुंचा था। इसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते
सकते हो। अब्दुल्ला खान ओपनिंग कर रहे हैं खालिद शाह के साथ, वन डाउन ऑन स्टैंडर्ड, आर्यन सक्सेना टू डाउन, नियाज खान थ्री डाउन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो बैटिंग ऑर्डर। अब अगर इनकी गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर भाई एक ओवर डाला, एक एक ओवर मतलब यही इनके ऑलमोस्ट दो दो ओवर वाले गेंदबाज आपको दिखने वाले। सिमरनजीत सिंह कांग की बात करें तो गजब का गेंदबाज, हालांकि इस मैच में जल्दी कुछ नहीं कर पाया और महंगा भी साबित हुआ, बट आपके लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ से रहेगा। इसके अलावा भाई शेर खान आपके लिए बहुत ही अच्छा प्लेयर रहेगा और इस सीजन कुछ ज्यादा ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इस सीजन काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अपने दम पर, अकेले अपने दम पर दो मैच ये टीम को जिता चुका है, एक विकेट इन्होंने यहाँ से निकाला। इसके अलावा शोएब अबीद की बात करें तो एक विकेट इन्होंने निकाला, उमीद रहमान ने एक विकेट निकाला, इरफान यूसुफ जाई की बात करें तो एक और इन्होंने डाला, विकेट लेस ये गए थे। अब चलिए भाई बात कर लेते हैं डेमो टीम की। अगेन मैं आपको याद दिला दूं, डेमो टीम मैं आपको जरूर बना के दे रहा हूं, लेकिन फाइनल टीम भाई आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, अभी के अभी आप आके ज्वाइन कर सकते हो या फिर आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो। सर्च करने के लिए यूजर नेम ध्यान से देख लीजिएगा, @KPM321। सिंपली बस आपको इतना ही लिखना है और यहाँ पर देखिए अगर आप कुछ भी 320 आप लिखोगे तो नहीं मिलेगा, 322 लिखोगे तो भी आपको हमारे चैनल नहीं मिले, तो सेम टू सेम आपको यही लिखना है। ठीक है, तो ये चैनल आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो चैनल को। ठीक है, अब चलिए भाई बात कर लेते हैं यहाँ पर डेमो टीम के बारे में। तो डेमो टीम की बात करेंगे, सबसे पहले भाई विकेट कीपिंग सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, तो थोड़ा सा भाई नेटवर्क स्लो है यहाँ पे। तो अब भाई बात करेंगे विकेट कीपिंग सेक्शन की, सबसे पहले तो यासिर कलीम मस्ट हैव पिक रहेंगे। इसके अलावा संदीप सिंह आपके लिए गजब के प्लेयर रहेंगे, ओपनिंग कर रहे हैं गजब का प्लेयर आपके लिए रहेगा। खालिद शाह आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे। अब यहाँ पर तीन विकेट कीपर हो गए तो हम ऑलराउंडर ज्यादा नहीं ले पाएंगे, अगर इस चक्कर में आप संदीप सिंह को ड्रॉप करना चाहो तो आप कर सकते हो, अभी के लिए मैं ड्रॉप करूंगा, फाइनल टीम में हो सकता है रख लो। आसिफ खान एंड स्टैंडन दोनों मस्ट हैव पिक रहेंगे। बासिल अमित लास्ट मैच खेला नहीं था, अगर खेलेगा तो मस्ट हैव पिक रहेगा, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा। आर्यन सक्सेना भाई टॉप ऑर्डर में खेल रहे हैं, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हसन इसाखेल अगर खेलता तो आपके लिए गजब का प्लेयर यहां से रहने वाला है। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो शेर खान, देखिए मैंने आपको बताया भाई दो मैच अकेले दम पर अपनी टीम को जिताए हैं। ठीक है, गजब का प्लेयर 100% टीम में होना चाहिए, तो फिर रियासत को हम अपनी टीम में रखेंगे। इसके अलावा चंद्रपोल रिजवान अगर खेलता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, जरूर से आप ट्राई कीजिएगा। वहीं अगर बात करें तो नियाज खान को आप ट्राई कर सकते हो, नियाज खान और चंद्रपोल रिजवान दोनों में से आप किसी एक के साथ जाना, मैं अभी के लिए नियाज खान के साथ जा रहा हूं। यहां से अगर बात करें तो मोहम्मद आमिर, इमरान ताहिर ये खेल नहीं रहे, अगर खेलेंगे तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। आसिफ मुमताज इंपॉर्टेंट रहेगा, फैजल अल्ताफ आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, अगर चाहो तो ट्राई कर सकते हो, मतलब जो पहला मैच था उसमें अच्छी खासी परफॉर्मेंस इन्होंने दी थी। इसके अलावा हैरी बैरवाल, सिमरनजीत सिंह कांगे भाई तीन चार मेरे गेंदबाज रहेंगे। मोहम्मद जाहिद आपके लिए जीएल मिनी जीएल में इंपॉर्टेंट रहेंगे, अताउल्ला जीएल मिनी जीएल में आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सीवीसी की यहां से बात करेंगे तो भाई कैप्टन यहां से मैं खालिद शाह को लेकर जा रहा हूं, वीसी की अगर बात करें तो मैं शेर खान के साथ जा रहा हूं, बाकी अगर आप चाहो तो वीसी तौकीर रियासत को भी लेकर जा सकते हो, बट अभी के लिए मैं यहां से वीसी लेकर जा रहा हूं शेर खान को। ठीक है, तो ये भाई मेरे वीसी रहेंगे, बाकी फाइनल टीम की अपडेट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे ही दूंगा। अभी आप टीम का प्रीव्यू देख सकते हो, कुछ इस प्रकार की टीम हमारी रहने वाली है, बाकी अगर इसमें कुछ भी चेंजमेंट होता है ना तो वो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। नियाज खान को ड्रॉप करके आप यहां से संदीप सिंह या फिर ऑलराउंडर सेक्शन में ही चंद्रपोल रिजवान के साथ आप जा सकते हो, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। बैटिंग सेक्शन में एक बार मैं आपको और जीएल के लिए बता देता हूं कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे, अमजाद गुल, बासिल अमीद अगर खेलता है तो, इसके अलावा जैनुल्ला और इसाखेल अगर खेलते हैं तो आपके लिए स्मॉल लीग में भी इंपॉर्टेंट रहेंगे जैनुल्ला और इसाखेल, और भाई ग्रैंड लीग में तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हो, या तो आप टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर भाई आप यहीं से वीडियो को पॉज करके टीम को अपने मतलब टीम को सेव कर लीजिए सभी प्लेटफॉर्म पर, बाकी फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे नेक्स्ट टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।